आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रसपा के सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा आगरा पहुंच चुकी है। माल रोड स्थित अमर होटल से रथ यात्रा शुरू होकर फिरोजाबाद पहुंचेगी। प्रसपा की सामाजिक रथ यात्रा को लेकर शहर में रूट डायवर्जन किया गया है। सामाजिक रथ यात्रा के दौरान प्रसपा अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर सरकार पर हमला बोला। प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन यात्रा आगरा पहुंच चुकी है। माल रोड स्थित अमर होटल से रथ यात्रा शुरू होकर फिरोजाबाद पहुंचेगी। प्रसपा की सामाजिक रथ यात्रा को लेकर शहर में रूट डायवर्जन किया गया है। सामाजिक रथ यात्रा के दौरान प्रसपा अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर हमला बोला। ये दोनों सरकारें विफल रही हैं, जो वादे किए थे इन्होंने, पता लगा लेना। अब वादे हम गिनाने में टाइम लग जाएगा, वादे तो आपको भी पता है। सबसे वादे इन्होंने ये थे, कोई वादा पूरा नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने वादा किया था भ्रष्टाचार 100 दिन में ख़त्म हो जाएगा, काला धन ले आएंगे, 15-15 लाख प्रत्येक के घर में भेज देंगे, किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, चीन से हम जमीन वापस ले आएंगे, फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बताइए, एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ है। भय, भूख, भ्रष्टाचार, तो ये जो वादे हैं, जितने वादे इन सरकारों ने किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, अब इन वादों को देखना अब आगे चल करके। इसलिए मैंने ये सामाजिक परिवर्तन रथ नाम दिया है। अब उत्तर प्रदेश की जनता के बीच हम जाएंगे और जा कर के जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे पूरे नहीं किए हैं, जो किसान परेशान है, गरीब परेशान है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन की संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई है, इसके साथ ही समान विचारधारा वाली पार्टी से गठबंधन करेंगे। देखिए, हमने शुरू से कहा है समान विचारधारा वाली पार्टियां सेकुलर पार्टियां, और मैंने ये भी कहा है कि हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, और आज भी हमारा कहना है कि समाजवादी पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए तो अच्छा है। लेकिन अलग रथ निकलने का मतलब माना जाए कि कहीं ना कहीं अब वो विचारधारा सही आगे नहीं जा रही। तो देखिए, अभी तो अलग अलग पार्टियां हैं, तो अलग अलग पार्टियां अगर अलायंस भी होगा तो फिर तो वो तो अलग प्रचार अलग अलग भी होते हैं, साथ साथ भी होता है। संभावना क्या देख रहे हैं आप? देखिए, राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, और संभावनाएं तो संभावनाओं पर तो सब कुछ चलता ही है। और अभी तो बहुत समय है, अभी तो चुनाव के 5 महीना है। प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा आगरा पहुंच चुकी है। बुधवार को माल रोड स्थित अमर होटल से ये शुरू होकर प्रतापपुरा, साईकी तकिया कलेक्ट्रेट, सुभाष पार्क, राजा मंडी, हरिपर्वत, भगवान टॉकेस, सुल्तानगंज की पुलिया, बलकेश्वर वाटर वर्क से फिरोजाबाद पहुंचेगी, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूर्ण तैयारियां कर रखी है। प्रेस वार्ता के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला, कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, सरकार ने खुद ही कई मुद्दे दे दिए हैं, इनमें सबसे प्रमुख महंगाई और भ्रष्टाचार है, और सरकार ने कई ऐसे कानून बना दिए हैं जो जनहित में नहीं है। किसानों का उत्पीड़न भाजपा सरकार कर रही है, नौजवान परेशान है, सबके सब परेशान है, तो इन बातों को, भूख, भय, भ्रष्टाचार, इन सभी बातों को हम पूरा करने का काम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जनता के बीच में इसलिए जा रही है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बने और इन वादों को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरा करे। प्रसपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने सरकार बनने से पहले उनसे जो वादे किए थे उन पर खरी नहीं उतरी है। उन्होंने कहा कि भाजपा को हटाने के लिए प्रसपा पूरी तरह से तैयार है, अगर गठबंधन की नौबत आई तो वो समाजवाद के साथ है। सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का मकसद समाज में परिवर्तन लाना है। भाजपा सरकार को हटाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।